सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनवाने का प्रावधान किया है, परंतु भदोही जिला के पकरी कला गाँव में उर्मिला देवी सहित 150 लोगों के यहाँ शौचालय न होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी होता बहु बेटियन के लिए, रात बिरात कहाँ यही है जई है, सावन भादव में इतनी परेशानी हो जाते है, कई डाड़े मेरे पानी माल लगा रहा थे कई डाड़े पर, मने डाड़े पर गोड़ ना थे सकत, कीड़ा बिछी डाड़े बैठा रहा थे, मार देते काट लेते हैं। जैसे खेती सवारी हम सब जाते हैं बाहर भीतर, उधर आदमी भी जाते हैं पुरुष माने, हाँ हम सब बाहर भीतर सही से बैठ नहीं सकते है, वो शर्म के मारे हम सब अपन चलावत है घरे कर किरोना डाड़े मेरे जा बहुत दिक्कत बा है। जने रास्ता महिलाएं आवत हैं जाते हैं, वही रास्ता में पुरुष भी आवत हैं जाते हैं, तो मन मेरा ले जाए जाते हैं, खड़ी हो जाते हैं, फिर मन से धुआ के निकल जाते हैं, तो फिर बैठा था इन कह दो बार तीन बार उठा था तो फिर बैठा था तब जाके घरे आवत था इन कह, यही कुल बात बाहर है कह, अब संडास हो जाए घरे घरे तो बहुत सुविधा हो जाए बस्ती वालन के भी, हम हो के सुविधा हो जाए। उत्तर प्रदेश भदोही जनपद के ज्ञानपुर ब्लॉक के पकरी कला गांव में शौचालय की समस्या पर मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने समुदाय को संगठित व जागरूक कर इस समस्या पर बदलाव ला पाई। परेशानी रही बाहर भीतर आवत जाए के शरण नहीं रहे, आन के हम पचे आवत जात रहे है कही आवत जाए नहीं, तेरा खेते संवारे डाने मेरे शौचालय आपको था से बन के बाहर है कि हम पचे वहीं में अपन आई थे जाई थे कहीं। कैसे आपको शौचालय बना, यानी क्या प्रयास कही गया? प्रयास ये भवा कि आप लोगों ने आयन हमरे यहाँ तो लिया के गए वहाँ मुख्यालय पर, गाड़ी की ही साइन हम पचे गए कि ये सब जने बिलोरो में भर के लेके गए हम लोगों के वहाँ मुख्यालय पर DM के पास है। प्रयास करते गए तो वही से अपन बना, हम लोग सुविधा हो गया। अब आप लोग खुश हैं? हाँ आप लोग खुश हैं, यहाँ के सब आवत जाते हैं बैठे उठा था इन्हें का सुविधा हो गया बहु बेटियन के लिए सबई के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से ऐसे ही अपने हक वंचित समुदाय की अनसुनी समस्याओं को उठाती रहूँ और उसको संगठित व जागरूक कर उस पर बदलाव लाती रहूँ। मैं केसा देवी भदोही जिला से, इंडिया नहड़ के लिए।